इम्पॉर्टेंट और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, यानी कि क्यों जरूरी है। द आंसर इज द ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारा इंसानी दिल किसी से बना है, कार्डियक मसल से बना है। किससे बना है, कार्डियक मसल से। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सर्कुलेट ब्लड थ्रू द बॉडी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी वजह इसी की वजह से हमारा जो खून होता है वो पूरे जिस्म में गर्दिश करता है। ठीक है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का फंक्शन बताएं। द आंसर इज कैपिलरीज आर अ नेटवर्क ऑफ वेरी थिन ब्लड वेसल्स। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स। इसी तरह से कैपिलरीज है, ये भी नेटवर्क का काम करता है। किस तरह से, ये भी एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से कनेक्ट रहते हैं, ये किससे कनेक्ट रहता है, आर्टरीज एंड वेंस। कैपिलरीज आर अ नेटवर्क ऑफ वेरी थिन ब्लड वेसल्स। किसका नेटवर्क है, बहुत ही पतली पतली नालियों का, ब्लड की नालियों का नेटवर्क है। दे कनेक्ट आर्टरीज एंड वेंस, रगों और शरीयानों से कनेक्ट करके। द थर्ड पॉइंट इज दे डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजनेट ब्लड टू सेल। ग्लूटामिक एसिड कैपिलरीज का एक फंक्शन क्या है, ग्लूटामिक एसिड और ऑक्सीजनेट ब्लड किसको वो करती है, सेल्स को डिलीवर करती है। क्या करती है, ग्लूटामिक एसिड और ऑक्सीजनेट ब्लड सेल को डिलीवर करती है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज दे आल्सो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल। ये सेल से वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव करती है। डैश इज सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट ब्लड एंड मसल्स। वो कौन सा सिस्टम है,